बर ग्राम में केसरा मेमोरियल मानचंद पब्लिक स्कूल में बर आयुर्वेदिक चिकित्सक सीपी जैन के द्वारा बच्चों को स्वाइन फ्लू के बारे में जानकारी दी, साथ ही बच्चों को आयुर्वेदिक दवाई भी पिलाएगी। इस मौके पर बर आयुर्वेदिक चिकित्सक सीपी जैन और राम अवतार शर्मा भी मौजूद रहे। इसके अलावा विद्यालय स्टाफ रोशन मेवाड़ा, गणपत मेवाड़ा, मावी जांगिड, जरीना बानो, मनीषा उदावत, सलीम खान, मनोज पवार, सैसमल गोस्वामी इत्यादि मौजूद रहे। बर से बलूज रहने और श्याम सैनी की रिपोर्ट, न्यूज राजस्थान। साल से या 6-7 साल से 2010 के बाद से ये काफ़ी अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा इसके सिम्टम्स आने लगे। स्टार्टिंग में 10 में और उसमें तो बहुत ज़्यादा जान गई थी क्योंकि हमारे पास इसकी अवेयरनेस जानकारी नहीं ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे हमारे को, क्योंकि हर साल ये प्रॉब्लम सर्दियों में ज़्यादा आती है, इस ये जो बीमारी के लक्षण हैं वो सबसे ज़्यादा हमें सर्दियों में देखने को मिलते हैं और इसके लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम बुखार के लक्षणों से मिलते जुलते हो, है ना। जुकाम में छींके आना, खांसी चलना, सरदर्द होना, बुखार आना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये ऐसे कुछ लक्षण हैं जो सर्दी जुकाम, सामान्य सर्दी जुकाम में भी होते हैं और स्वाइन फ्लू में भी होते हैं। तो अब हमें ये अंतर करना जरूरी है कि आपको स्वाइन फ्लू हुआ है या आपको सामान्य सर्दी हुआ है। इसको हम लोग स्वाइन फ्लू, इसका जो वायरस है, वायरस से जनित बीमारी है ये। वायरस वो बीमारी के कई कारण होते हैं, बैक्टीरिया होता है, जीवाणु जिसको बोलते हैं, है ना। वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु, है ना। वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, ऐसे कई छोटे छोटे जीव होते हैं जिनके थ्रू हमारे को बीमारियाँ होती हैं। तो ये हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे को वायरस बीमारियाँ बहुत कम होती हैं, लेकिन जो होती हैं वो बहुत खतरनाक वाली होती हैं। जैसे एक HIV एड्स नाम सुना होगा ना, HIV एड्स भी वायरस जनित बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास, क्योंकि वायरस के प्रति दवाइयाँ बहुत कम हैं। बैक्टीरिया के प्रति तो हमारे पास बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जिनसे हम इलाज कर लेते हैं, लेकिन वायरस से होने वाली बीमारियों का इलाज हमारे पास बहुत मुश्किल से होता है। तो इसलिए बेटर यही है कि हम लोग उस बीमारी को होने से बच जाएं, हम ऐसा कुछ करें कि हमारी वो बीमारी हो ही नहीं। तो उसके लिए हमारे को एक, हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो हम, हमारे शरीर में, हमारे खून में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो हमारे को बीमारियों से बचाती हैं। उनमें से एक कोशिका का नाम आपने सुना होगा WBC। नाम सुना है WBC? यस सर। वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, है ना। आठवीं नवी के आपकी क्लास में कोई साइंस की किताब में नहीं पढ़ा होगा आपने, जहाँ ब्लड पढ़ते हैं, तो ब्लड में एक RBC होती है, रेड ब्लड सेल होती है, एक WBCs होती है, प्लेटलेट होता है, प्लाज्मा होता है, प्रोटीन्स होती है, एंटीबॉडीज होती है, एंटीजन्स होते हैं। तो ये हमारे ब्लड में पाई जाने वाली जो WBCs हैं, प्रोटीन्स हैं, ये हमारे को रोगों से लड़ने की ताकत देती है। तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत स्ट्रांग होती है। तो जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है वो कम बीमार होता है, जो व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी कम होती है वो जल्दी जल्दी बीमार होता है। तो कुछ बीमारियों से बचाने के लिए हमारे को टीके लगाए जाते हैं, छोटे बच्चों के लगते हैं टीके, है ना, BCG का लगता है, OPV की दवाई पिलाते हैं, और पोलियो वैक्सीन, है ना, और अपने पेंटावेलेंट, आजकल हेपेटाइटिस बी, और ऐसे कई सारे टीके हमारे को बचपन में लगा दिए जाते हैं जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है और हमें आगे चलकर वो बीमारी नहीं हो और हमारी जान को खतरा। तो लेकिन इसलिए हमारे पास स्वाइन फ्लू का अभी तक कोई टीका नहीं है, तो टीका नहीं है तो इसलिए हमारे को इसकी ऐसी कोई काम करना पड़ेगा जिससे हमारे को बीमारी नहीं। स्वाइन फ्लू जिस बीमारी से होता है उस बीमारी का नाम, जो वायरस का नाम है H1N1 इन्फ्लुएंजा। वायरस का नाम क्या है? H1N1 इन्फ्लुएंजा। उससे ये बीमारी होती है। अब ये बीमारी फैलती कैसे है? ये जिस व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन हो गया, जैसे कोई जिसकी इम्यूनिटी कम थी और उसको इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन होने के 5-7 दिन के अंदर उसको लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं। कितने दिन में लक्षण आने लग जाते हैं? 5-7। आज आपको ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी में वायरस गया, 5-7 दिन के अंदर आपको नाक बहना, छींके आना, हल्का बुखार, तेज बुखार होना, सर दर्द होना, हाथों पैरों में दर्द होना, बदन में अकड़ाहट होना, जॉइंट पेन होना, ये ऐसे लक्षण आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हमने स्टार्टिंग में ही इसका इलाज ले लिया तो ये लक्षण आगे नहीं बढ़ते, लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं दिया और हमने लापरवाही की तो फिर धीरे धीरे
ये लक्षण बहुत तेज हो जाते हैं और अंत में वो कैटेगरी स्वाइन फ्लू के पेशेंट की तीन कैटेगरी होती है, ए बी और सी। ए में सामान्य लक्षण होते हैं, बी में थोड़ा और तेज बढ़ जाते हैं लक्षण, गले में दर्द होना, खांसी, पेट चलना, तेज बुखार। सी कैटेगरी में जाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा लक्षण तेज हो जाएंगे, खांसी में खून आने लग जाएगा और उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और उसके फेफड़े धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। फेफड़े काम करना बंद कर देंगे, सांस नहीं आएगी तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो कैटेगरी सी तक नहीं पहुँचे इसके लिए हमारे को पहले से ही कैटेगरी और ए और बी में आते ही हमें सजग हो जाना चाहिए और अपना क्या करना चाहिए, पास के किसी भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपनी जांच करानी है ना। तो भाई हमारे को कहीं स्वाइन फ्लू तो नहीं है। अब स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है, जैसे मेरे को इन्फेक्शन हो गया, मैं खांसता या छींकता हूँ तो मेरे मुंह से नाक से जो फ्लूइड निकलता है, पानी या जो सूप निकलता है ना बाहर, उसकी बूंदें गिरती है बाहर, तो जहाँ जहाँ पर वो बूंदें गिरेगी उसमें वो वायरस भी होता है और उस बूंदों के संपर्क में आप लोग आओगे तो वो वायरस आपके शरीर में भी चला जाए। तो ये इन्फेक्शन खांसने छींकने से, खांसने छींकने से ये आपको फैलेगा। तो इसलिए जब भी जिसको भी ऐसी खांसी या सर्दी जुकाम हो वो ऐसे डायरेक्ट नहीं खांसे, अपना मुंह साइड में करके मुंह के ऊपर हाथ या कपड़ा रख के आपको खांसने या छींकना चाहिए। ठीक है, जिससे वो आपका खून जो है ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होगा। या फिर जिसको भी ऐसा हुआ है खांसी सर्दी काम, वो घर पे रेस्ट करे, स्कूल नहीं आए, स्कूल में आने से एक बीमार व्यक्ति दूसरे सारे बच्चों को बीमार कर सकते। तो जिसको भी ऐसा है तकलीफ वो घर पे रेस्ट करें, अपना इलाज लें और जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तब जाके यहाँ आए। तो स्वाइन फ्लू से पहला तरीका है खांसने छींकने से पेशेंट के ज़्यादा संपर्क में रहने से होता है। जैसे घर में आपके एक सदस्य जो हो गया उसकी आप सेवा करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसके पास उठ कर बैठे हैं और वो पेशेंट जिन जिन चीज़ों को छूता है, क्योंकि खासकर ऐसे खांसेगा फिर ये हाथ तो धोने तो गया नहीं, उसने हाथ से ये सामान पकड़ लिया, गेट पकड़ लिया, टेलीफोन पकड़ लिया, मोबाइल हाथ में ले लिया, तो ये जहाँ जहाँ वो हाथ लगाएगा ये गंदा हाथ, उसको वहाँ वहाँ पर वो वायरस फैल जाए और फिर जो स्वस्थ व्यक्ति उन चीज़ों को छुएगा और वो चूँकि अपने नाक मुँह को हाथ लगाए, अपने नाक मुँह को हाथ लगाएगा तो वो वायरस आपके हाथ से ना जाएगा, तो वो आपको भी बीमारी हो जाएगी। तो ये